ठीक है जी। तो आज का टॉपिक जैसा कि आपको बताया मैंने रेंज है, तो कोई मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, एक मैक्रो ले लेता हूँ, एबीसी करके मैंने बनाया। तो रेंज को जब मैंने सिलेक्ट करना हो तो सर कैसे करेंगे? रेंज होती क्या है पहले मैं बता दूँ। रेंज होती है हमारा जो ये सेल सिलेक्शन आता है ना, कर्सर चलता है तो इसको बोलते हैं, जिसको हम रेफरेंस भी बोलते हैं, जैसे कई बार हम करते हैं A1, तो ये एक रेंज हो गई। ठीक है जी। अगर मैंने ज्यादा ज्यादा इसमें सिलेक्शन कर लिया A1 से A10, तो ये एक रेंज हो गई। ठीक है जी। तो इस तरह से इनको रेंज बोलते हैं, ये जो एड्रेसेस होते हैं इनको डील करने के लिए अपने पास इसमें रेंज कीवर्ड है। ठीक है जी। ठीक है। रेंज कीवर्ड है जिसके अंदर आप दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि रेंज A1 इन्वर्टेड कॉमास में मैंने एड्रेस देने होते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, डॉट लगाऊंगा सिलेक्ट। तो जब मैं कहता हूँ रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, तो मेरा कहीं भी कर्सर हो, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? A1 पे। ठीक है जी। A1 पे पहुंच गए। दूसरा हम एक यूज करते हैं सेल्स। सेल्स में होता है आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स देना होता है। सेल्स में जैसे मैं कहता हूं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डॉट सिलेक्ट। ठीक है जी। इसको सिलेक्ट कीजिए तो ये अब क्या करेगा, पहली रो में जाके सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा इसको। ये उसी तरह से है ठीक है। जिस तरह से हम एड्रेस में पास करते हैं अपने, जैसे रो नंबर दे दिया और कॉलम नंबर दे दिया, यहाँ पे नंबर दे देते हैं, फॉर्मूला होता है जो, तो ये आपको दे रहा है। इसी तरह से ये सेल्स का जो है एड्रेस बना लेता है। ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज करते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जैसे एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव शीट होता है, और इसी तरह एक्टिव सेल भी होता है। तो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू से क्या करते हैं इसको, एक्टिव सेल तो पहले से ही सिलेक्टेड है, डॉट वैल्यू करके कुछ भी देंगे इक्वल टू लगा के उसके अंदर। अच्छा सर, मैंने मैंने आपसे एक एक्चुअली एक डाउट क्लियर करना था कि ये जो हाँ डॉट होता है, जब तुम डॉट लगाते हो किसी चीज के आगे, ठीक जी, हाँ जी, है, तो कभी उसके आगे इक्वल टू, वो तो उन्होंने मेरे को बताया था कि प्रॉपर्टी होती है तो इक्वल टू आता है, प्रॉपर्टी हाँ नहीं होती तो इक्वल टू नहीं आता, मेथड होता है तो नहीं आता, है ना? हाँ 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 तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज। यही है ना? हाँ जी, होता है यही है, पर ये होती क्या है प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सब है क्या हाँ लेकिन चक्कर? ये मेरे को ना ठीक क्लियर है कि प्रॉपर्टी और मेथड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, प्रॉपर्टी और मेथड वगैरह, प्रोसीजर वगैरह, ये सब इनहेरिटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि हम जावा की बात करें, तो हाँ जी। इसमें जैसे अपने पास इसमें इसको कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होते हैं कि जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते, मैक्रो इनको कहते हैं एक्सेल में। मैक्रो क्या होते हैं कि जो हमारा माउस का काम करवाते हैं, यहाँ पे एंट्री करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। और फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे सम का फॉर्मूला है, कुछ कैलकुलेशन अंदर करके एक ही सेल में रिजल्ट दे दे रहे हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे फंक्शंस। दो टाइप मैंने अभी डिफ्रेंशिएट किए, प्रोसीजर जिसको हम सब करके लिख रहे हैं, सब प्रोसीजर कहते हैं जावा में, इसको प्रोसीजर कहते हैं प्रॉक करके एसक्यूएल में, कई कई लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम है। तो वीबीए में सब करके इसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है सब प्रोसीजर। इसी तरह फंक्शन होते हैं जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब देखिए, ये प्लेन काम कराता जाएगा पर वैल्यू लेने देने का कोई वो नहीं है इसमें। ये जो क्या कर रहा है, असाइनमेंट कर रहा है इधर से उधर, उसमें बाहर से चेंज कर रहा है, पर इसकी बॉडी ये नहीं कहती। जैसे मैं एक फंक्शन बना देता हूं, तो फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ए करके बना देता हूं, तो फंक्शन में लास्ट में मुझे सारा काम कराने के बाद, इस तरह के काम कराने के बाद, ए इक्वल टू कोई ऐसी वैल्यू भेजनी होती है, मतलब ये जरूरी जरूरी रिटर्न करना है कुछ जरूरी है, जिसमें फंक्शन के नाम के आगे कुछ हो और वो वैल्यू जाए। अब ये यूज कैसे होती है, जैसे यहाँ इक्वल टू दबाया, मैंने ए दबाया तो यहाँ फंक्शन में आ गया। अब यहाँ पे जब मैं हाँ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो मुझे कोई कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है ना, इसीलिए तो फंक्शन लगा रहा हूँ कि इस सेल में कुछ जी, आना चाहिए।
तो वो कहां से दिया जाता है? वो यहां से दिया जाता है आपका, जैसे हेलो आया तो मैंने यहां से इसमें पास किया था तब आया ए के अंदर हेलो, तो ए जहां भी कॉल होगा वहां जो भी यहाँ रिटर्निंग वैल्यू है वो यहाँ से हमें पास करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के बाद। अब इसमें इनपुट करनी है वैल्यू, ठीक है जी, इनपुट करनी है। मैं चाहता हूँ अच्छा, कि एक सेकंड होल्ड हाँ करना, एक सेकंड होल्ड करना सर, जी एक, हाँ जी सर, हाँ जी। तो जैसे कि मैंने एक वैल्यू लेनी है, जैसे कर देता हूं कि मैं यूजर दो वैल्यू देगा, आई एज इंटीजर कॉमा डी एज इंटीजर, ठीक है जी। अब ये जो है ये फंक्शन की बॉडी बन जाएगी वहां पे जाकर, मतलब अब ये हमसे वैल्यू मांगेगा वहां पे। तो मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लेता हूँ, जिसके लिए कोई भी इंटीजर को पहले मेरे को डिक्लेयर करना जरूरी है। अब देखिए ये डिक्लेरेशन के बारे में आपको बताया, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, वेरिएबल नहीं वो डिक्लेरेशन। कह रहे थे बाद में बताएंगे, हाँ तो चलिए बाद में बताएंगे उसको। इवन दो उन्होंने मेरे को ना वो वाला एग्जांपल करा दिया था जिसमें जैसे डेम वो एज इंटीजर, वाई एज इंटीजर एंड एम एज इंटीजर एंड डी एज इंटीजर एंड उसके बाद उन्होंने वो नहीं मतलब एम एज स्ट्रिंग और उसके बाद उन्होंने वो मंथ वाला फोल्डर क्रिएशन वाला एग्जाम्पल कराया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि उसमें जो डेम वगैरह यूज हो रहा है वो बाद में बताएंगे। हाँ, वो एक्चुअली अब उसको समझाने के लिए वैसे मेरे पास एक अपना सिस्टम तो है, पर वो एक दो क्लास पूरी ले जाता है, दो क्लास पूरी ले जाता है मेरे पास ऐसा सिस्टम। तो जी सर अपना अलग सिस्टम फॉलो करते हैं, मेरे पास उसके लिए एक अलग से सिस्टम है जो स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है कि प्रोग्रामिंग असल में है क्या, हम करे क्या जा रहे हैं, मुझे कैसे पता कि यहाँ यही लिखना था, या फिर मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिखा। इतना तो खैर समझते हैं कि एक फ्लो है, पर वो फ्लो क्या है कि यहाँ पे डिक्लेरेशन करा फिर बाद में मैं यूज कर रहा हूं, तो ये तो जो आप मेरे को वो करवा दीजिए, मतलब ताकि मेरे लिए मतलब एक दो, अगर एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लग भी जाएंगी तो मेरे लिए वो फंडामेंटली फिर इजी हो जाएगा ना करना। हाँ, बट हाँ उसमें मैं आपको रिलेट कर सकता हूं कि ये क्या चीज है, आपस में वेरिएबल होते क्या है, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। वो बेसिक प्रोग्रामिंग लॉजिक्स एंड टेक्निक्स के नाम से होता है, ठीक है जी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, आपको एक फाइल दिखाता हूँ पहले, तो PLT के नाम से आप कहें तो ये फाइल मैं आपको भेज भी सकता हूँ, वर्ड की फाइल है, ठीक है। ये आपको ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग आप मेरे को फाइल ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ना मेरा मेरे पास स्काइप नहीं चलता, मैं जैसे ही मैं स्काइप डालता हूँ कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम है कंप्यूटर में। तो आप मुझे मेल बता दीजिए, मैं आपको तुरंत ही ये मेल भी कर देता हूँ। मेल आईडी बताइए, हाँ, मेरा मेल है ए गुप्ता ए गुप्ता डॉट डॉट CASS CASS @gmail.com। @gmail.com, ठीक है जी। तो ये मैंने फाइल आपको मेल कर दी है, फाइल में है क्या मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, ये पढ़ने की चीज है सर। अगर आपको क्लियर करने हैं ना वाकई में इसके फंडे, तो ये 27 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको एक एक शब्द इसका पढ़ पढ़ के करें, ठीक है जी। ये भी मैंने ढूंढी है कहीं से। तो पहले जैसे बात करते हैं, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स वैसे इन्हें कहते हैं। तो इसमें सिंबल्स होते हैं, उनको पहले हमें समझना होगा। कोई भी प्रोग्राम लिखे जाने से पहले पेपर पे कैसे बनाया जाता है वो इसकी नॉलेज है इसमें, ठीक है जी। तो पहला तो स्टार्ट एंड स्टॉप, ये जो सिंबल है ओवल सा, ठीक है जी, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए इसको यूज करते हैं, जो रिलेट करता है डायरेक्ट प्रोग्राम में। अगर किसी VBA प्रोग्राम को देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं फिर एंडिंग करते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं और उनकी एंडिंग करते हैं, तो उसके लिए ये साइन डिनोट होता है। देन हमारे पास प्रोसेस होता है, प्रोसेस में क्या होता है, जो कंप्यूटर तीन चीजों पे बना हुआ है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो स्टार्ट एंड के बाद ध्यान रखने वाले कौन सा होता है, एक प्रोसेस हो गया, इनपुट जब वैल्यू इनपुट करते हैं प्रोसेस कंप्यूटर उसका क्या करता है, और आउटपुट कंप्यूटर हमें क्या रिजल्ट दिखाता है,
मॉनिटर के जरिए या प्रिंट के जरिए या किसी भी आउटपुट डिवाइस के जरिए, ठीक है जी। तो ये चीज है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सिंबल्स इसके लिए यूज होते हैं। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल होता है, इनपुट के लिए टिल्टेड रेक्टेंगल होता है, और डिस्प्ले के लिए ये अलग से साइन है, ठीक है जी। ठीक है, बाद में आपके कुछ होता है, जैसे आप डिसीजन लेते हैं, कहां पे डिसीजन कहां लेते हैं हम, इफ का फॉर्मूला, अगर इसमें ये ट्रू आए तो क्या करना है, फॉल्स आए तो क्या करना है, दो चीजें डिफाइन करनी होती है हमें इफ के फॉर्मूला में। तो डिसीजन के लिए हम इस तरह का बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है जी। बाकी ये कनेक्टेड है, कनेक्टर है जो खाली पेज पे ही यूज होते हैं, इसका रियल प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी जब ये इसमें आएगा तो मैं इसको एक लाइन में बता दूंगा, ठीक है जी। कनेक्टर क्या होते हैं कि प्रोग्राम हम आगे यहां से ब्रेक कर दिया प्रोग्राम और कहीं और जाके लिख दिया, तो उन दोनों को रिलेट करने के लिए, जैसे किसी किसी में नहीं लिखा होता किसी पेज में कंटिन्यूड एट पेज नंबर 56, तो ये वही चीज है, वही चीज है। और दो तरीके की रेफरेंसिंग यूज करते हैं कनेक्टर हम, जैसे बुक्स में कई जगह हम सिंगल स्टार लगा देते हैं, डिस्क्रिप्शन वहीं दे देते हैं, और कई जगह हम ये जो मैंने बताया कि कंटिन्यूड एड पेज नंबर 56 ऐसा लिखा होता है किसी भी वर्ड के, डिस्क्राइब एट पेज नंबर 56। तो ऑफ पेज कनेक्टर होता है कि जब आप पेज से अलग जा रहे हैं, और सेम पेज के लिए ऑन पेज कनेक्टर होता है, ठीक है। ये दो चीज इसी चीज को डिनोट करते हैं। देन आपकी फ्लो लाइन्स होती हैं, और या कनेक्टर, ये प्रोग्राम को पूरे को जोड़ने के लिए कि क्या फ्लो चलेगा, ये एरो डिसाइड करती है। एरो जैसे जैसे आप देंगे तो वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। ये जो हम दे रहे हैं यहाँ पे कि डिम के एज इंटीजर हमने डिक्लेयर किया, या हमने पहले कहा कि सेल्स पहले सिलेक्ट करो, फिर एक्टिव सेल पे गया, फिर वैल्यू ट्रांसफॉर्म की, तो ये जो है ये प्रोसेस है, और ये जो फ्लो चल रहा है इसका कि कहां से क्या चलना है, इसको फ्लो लाइंस के जरिए दिखाते हैं, ताकि ये नॉन प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड हो सके कि हम कहां चल रहे हैं, या प्रोग्रामर को भी। अब एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी। ये डिसीजन बॉक्स है, ये जो अपना है प्रोसेस है, ये क्या है, इनपुट है, इनपुट हाँ, ये है स्टार्ट 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 एंड एंड के लिए, स्टॉप के लिए, और ये डिस्प्ले आउटपुट, ठीक है, ठीक है जी। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम होते क्या है, ठीक है जी। प्रोग्राम कुछ ये जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हम और लोगों के लिए डिजाइन करते हैं, जिससे और लोग अपना काम आसान कर सके। कोई बंदा कहता है कि मैं मेरे को ये काम नहीं आता, तो आप ऐसा फ्लो बना के दे सकते हैं कि पहले ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो, चौथा ये करो, इस तरह से आप उसका पूरा फ्लो देते हो, तो इसीलिए इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। यही हमारे प्रोग्राम का भी बेस है, ठीक है जी। तो पहला क्या है कि कोई इंस्टीट्यूट है, IISCP या हमारा ही लगा ली, तो इसमें क्या होता है कि स्टार्ट स्टार्ट और स्टॉप हर जगह लगाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, प्रोसेस है एक कि बंदा आदमी चल के सेंटर पे जाता है, प्रोसेस सुबह एक चला गया, फिर उसका इंक्वायरी फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म जब भरा उसने तो कुछ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को दी, ठीक है जी। तो ये इनपुट हुई, मतलब कस्टमर की तरफ से इंस्टीट्यूट को इनपुट हुई चीजें। अपीयर फॉर द टेस्ट, उसने टेस्ट दिया, ये एक प्रोसेस है, यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उसका इवेल्युएशन होना है, इवेल्युएशन किसी भी तरह का हो सकता है, उसकी रेटिंग तय की जानी है, ठीक है जी। तो प्रोसेस है ये, उसने काउंसलिंग ली, ये भी प्रोसेस है कि वहां जो बताएंगे उस हिसाब से कोर्स चूज करेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, उसने फिर से अपनी डिटेल दी, ठीक है जी, तो इनपुट है। पे द फीस, प्रोसेस है, फीस पे करी, ये प्रोसेस का एक हिस्सा है, बगैर उसके वो आगे नहीं बढ़ेगा। देन आउटपुट क्या निकला ऊपर के सारे प्रोग्राम का, कि ज्वाइन द कोर्स एंड गेट्स द स्टूडेंट किट, मतलब कोर्स ज्वाइन हो गया और स्टूडेंट किट मिल गई उसे, यही तो वो चाहता था। मतलब इतना सारा प्रोसेस उसने किसके लिए किया, इस आउटपुट के लिए किया, ठीक है जी। हाँ जी, तो वो प्रोग्राम को इस तरह से समझा जा सकता। अब कहें कि मतलब कंफ्यूज करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि इसमें यार बंदा चला गया, अच्छा इसमें टेस्ट में भी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो नहीं, बस इसका जो मैं इशारा कर रहा हूँ, बस उस इशारे को समझना है प्रोग्रामिंग में, उसको पकड़ के ही आगे बढ़ना है, बस जो मैंने अभी दिया ओवरव्यू। अब
उसी ओवरव्यू को ध्यान में रखते हुए हम इस पे आते हैं कि दो नंबर हैं उनको ऐड करने का हमें प्रोग्राम बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें दो नंबर ऐड कर सके। ठीक है जी। हाँ तो उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्टार्ट चाहिए, स्टॉप चाहिए। ठीक है जी। ये तो चाहिए चाहिए, मतलब फंक्शन तो लिखना हाँ ही पड़ता है। ठीक है जी। अब चलिए इसी के साथ ही एक आपको ये ए बी करके मैं बना देता हूं। तो मैंने ये स्टार्ट स्टॉप लगा दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि गेट द फर्स्ट नंबर। अब फर्स्ट तो नंबर, ये इनपुट हो गया। हाँ ये इनपुट हो गया। इनपुट के लिए क्या करेंगे हम, अपने पास एक्सेल में क्या है, इनपुट बॉक्स है। तो उससे पहले इसको कर लेते हैं जो डिक्लेरेशन हमें करनी है। हालांकि इस चैप्टर में आगे जाके डिक्लेरेशन प्रोसेस में आएगा, पहला प्रोसेस डिक्लेरेशन है, बट मैं आपको उसको जब वो आएगा तब समझाऊंगा, वो प्रोसेस का पार्ट है और इसमें अभी नहीं है फिलहाल, बट हम अपने इसमें कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसमें दो दो नंबर लेने, तो मैं कुछ भी ले लेता हूं, एफ एस एज इंटीजर। ठीक है जी। तो अभी तक इसको स्टार्ट ही माने। अब क्या है कि गेट फर्स्ट नंबर है हमारा, तो फर्स्ट नंबर कैसे लूंगा कि एफ में जो वैल्यू आनी चाहिए, ये इक्वल टू समझ रहे हैं कि इक्वल टू क्या लग रहा है, मतलब एफ क्यों लग रहा है बिल्कुल इक्वल मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब बिल्कुल ठीक से नहीं पता है। ठीक है मैं बताता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट बॉक्स में एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर। इनपुट बॉक्स आपको अभी बताया गया, नहीं बताया गया फर्स्ट नंबर, नहीं मेरे को नहीं बताया गया, मेरे को बिल्कुल, मेरी दो ही क्लासेस हुई है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, और कोई पहली दिक्कत बार तीन क्लासेस हुई है, पहली बहुत बेसिक थी, एक में सर ने वर्कबुक बताया, एक में सर ने शीट बताया, लेकिन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सर ने कोई नहीं बताया। हालांकि मैं खुद चाह रहा था, और मैंने उनको बोला भी था कि मेरे को, क्योंकि एक तो मेरी नॉन आईटी बैकग्राउंड है और मुझे प्रोग्रामिंग कोई भी समझ नहीं है, लेकिन मैं जल्दी सीख लूंगा, लेकिन अगर मेरे को एकदम बेसिक से बता दिया जाए, तो हाँ वो बोल कोई रहे थे कि कोई बात बाद में नहीं, बताएंगे, कोई बात नहीं, ये तो आप हमारी बताइए। पहली क्लास होती है मोस्टली, ये मैं पहली क्लास में बताता हूँ। ठीक है जी। तो अच्छा इसमें क्या होता है, एफ यहाँ पे नॉर्मली मैथमेटिक्स में अगर हम लिखते हैं कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो उसका मतलब होता है कि कुछ कि ए जो है वो है बराबर है इन सब के, वो कंपैरिजन होती है वहां। बट इसमें इसका मतलब होता है कि यहां जो वैल्यू कैलकुलेशन के जरिए या किसी भी जरिए से आ रही है वो वैल्यू इसमें ट्रांसफर हो जाए। ठीक है जी। ठीक है। तो इनपुट बॉक्स असल में होता क्या है, इस तरह का बॉक्स होता है जिसमें ये जो मैसेज लिखा है मैंने वो यहां पे लिखा हुआ आ जाता है, और इसके अंदर जो मैं वैल्यू दूंगा यानी इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आई, ओके करते ही वो ट्रांसफर हो जाएगी एफ के अंदर। ओके। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम याद है मैक्रो रन किया था तो ये आ गया। हाँ वो मैं खाली आपको दिखाने के लिए किया। ठीक है जी। दूसरा फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर देखेंगे वर्ड की फाइल हमारी क्या बता रही है, सेकंड नंबर गेट द सेकंड नंबर, तो ये भी इनपुट कराना है। तो इनपुट के लिए वापस से मैं वही मेथड यूज कर रहा हूँ, इनपुट के लिए हमेशा इनपुट बॉक्स ही नहीं यूज होता, हम सेल रेंज से भी ले सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, ठीक एक्टिव सेल में मतलब किसी सेल में क्या है, संदीप की वैल्यू ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आती भी है। ठीक है जी। यहां से मैं लिख दूं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू रेंज कोई भी वैल्यू, रेंज A1 डॉट वैल्यू, तो A1 डॉट वैल्यू में जो वैल्यू होगी वो एक्टिव सेल में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है जी। राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर हो जाती है इसमें। ठीक है जी। एंटर द सेकेंड नंबर, अब ये मैंने दो नंबर एंटर कर दिए, इनपुट हो गए मेरे। ठीक है जी। इसको अभी बाद में करेंगे, इसको हम समझेंगे प्रोसेस की तरह, बाद में होगा ये, इसको बाद में क्लैरिफाई किएगा। तो दो इनपुट मैंने कर दिए, अब प्रोसेस है ऐड द टू नंबर। अब दो नंबर जोड़ने जोड़ के ट्रांसफर करने के लिए मुझे कोई एक चाहिए, और अदरवाइज मुझे वैसे करना है, क्या करना है, एड द टू नंबर, इसका प्रोसेस मुझे स्टेबल करना है, तो मुझे कोई फाइनल वो चाहिए, एक और इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। हाँ तो एड करके मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो एड में मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एफ प्लस एस एस। ठीक है जी। ये मेरा प्रोसेस हो गया।
ठीक है जी, एड द टू नंबर, देन डिस्प्ले द रिजल्ट। डिस्प्ले द रिजल्ट में मैं इस बार सहारा देता हूं मैसेज बॉक्स का। अब मैसेज बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूं, एड लिख देता हूं, ठीक है जी। यानी कि एड की जो वैल्यू है वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसको चला के देखते हैं कि क्या कर रहा है, बट हालांकि अभी ये चलेगा नहीं। एक दिक्कत है इसमें कि जो इनपुट बॉक्स ने वैल्यू दी वो टेक्स्ट में दी, और देख लेते हैं फिर भी, यहां से डायरेक्ट देखें तो ज्यादा सही रहेगा। 20 मैंने एंटर किया फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर मांग रहा है, मैंने 30 कर दिया, ओके किया, तो 20-30 ऐसे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इन वेरिएबल्स ने इस वैल्यू को वैसे लिया ही नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू की तरह नहीं लिया, इन्होंने कैरेक्टर वैल्यू की तरह ले लिया। तो कैरेक्टर वैल्यू इनवर्टेड कॉमास में डाला था इसलिए, नहीं वो इनपुट की प्रॉपर्टी है इस तरह से देना। तो अब क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास अब क्या है कि इसको वैसे तो ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट होना था, कि एफ में ट्रांसफर हो रहा है तो एफ इंट का है तो वैल्यू भी इंट में ही कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी, बट इसमें क्यों नहीं हुई कि एफ जो है हमारा, इसमें वेरिएबल भी अपनी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी चेंज करता है, कि न्यूमेरिक नहीं है तो कैरेक्टर बन जाता है, कभी डेसिमल में बन जाता है। तो एक्सेल में ये खासियत होती है कि सेल में आप डेट डालें, नंबर डालें, वो अपने आप को चेंज करता है। तो इसी तरह से वीवीए में भी थोड़ा बहुत होता है। तो इसको स्टेबल करने के लिए मैं ये चाहूंगा कि जो वैल्यू मैं ले रहा हूं बाहर से उसी को ही न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सी इंट, जिसका मतलब है कन्वर्ट टू इंट, और उसके ब्रैकेट के अंदर हमें पैरामीटर में पूरा का पूरा ये इनपुट का फॉर्मूला दे दिया, ठीक है जी। तो इनपुट से वैल्यू आई वो पहले जाएगी सी इंट को सप्लाई होगी, और सी इंट जो रिजल्ट निकालेगा वो एफ में चला जाएगा, ठीक है जी। तो सी इंट जैसा कि हम देख रहे हैं ना फंक्शन, ये एक तरह का फंक्शन है सी इंट, ठीक है। इसमें ये वैल्यू आई यहां पे कैलकुलेट हुई पर इसके नाम से रिवर्ट हो गई, मतलब जहां वो कॉल हुआ था वहां पे रिवर्ट हो गई। तो ये इंट में कन्वर्ट करके एस पे रिवर्ट हो गई। अब चला के देखेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे जो जब तुम प्रोग्रामिंग करते हो तो हजारों कंसेप्ट होते हैं, तो आर यू एक्सपेक्टेड कि तुम्हें ये सब चीजें याद हो, कि इसका कोई ऐसी जगह होती है कि जहां से तुम ये चीजें पुल कर सकते हो, कि हाँ मतलब तुमने ये चीजें यूज करके मतलब तुमने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली, कि तुम्हें ये सब चीजें याद होनी चाहिए एट द बैक ऑफ योर माइंड? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो होता है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है जी। तो बाकी चीज कोड क्या है और ये डिम से शुरुआत होना है या किसी और चीज से स्टार्ट होना है, ये मैटर नहीं करता है इतना। अच्छा प्रोग्रामर वो है, क्योंकि ये सब तो गूगल पे मिल जाता है कि कैसे करना, जिसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पता हो स्टेप बाय स्टेप, जिसको टाइटल पता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो उस टाइटल को गूगल में सर्च करके उसका रिजल्ट ला ही देगा, ठीक है जी। और जैसा कि रिकॉर्डिंग मैक्रो का अगर फीचर आपने आपने देखा होगा कि इसमें रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो, तो कोड तो वहां दे ही देता है, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ठीक है, तो इसमें इतना सब करने की जरूरत नहीं। बेसिकली अब मैं जो दिखा रहा हूं आपको वर्ड की फाइल से, तो स्टार्ट हुआ जिसमें हमारा स्टार्ट स्टॉप ये हुआ, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो इनपुट हमने ये दोनों किया, ये हमारे इनपुट हो गए जैसा कि इसमें दिखाया था। प्रोसेस क्या हुआ, एड का था और देन डिस्प्ले आउटपुट, ठीक है जी। तो टोटल प्रोग्रामिंग का जो कहते हैं ना मोटा मोटा बेसिक फंडा यही है जो मैंने अभी बताया आपको, पर ये सीधे सीधे प्रोग्राम चलने का है। बाद में जब डिसीजन बॉक्स इंट्रोड्यूस होगा तो आपको इसमें प्रोग्रामिंग की अलग से पावर दिखेगी, इसी तरह लूप्स इंट्रोड्यूस होंगे, लूप्स और पावरफुल बनाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट, हाँ अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है डिस्प्ले द सम ऑफ 5 नंबर, ठीक है जी। इसमें क्या किया है, इसने स्टार्ट स्टॉप वही किया है, 5 नंबर एक्सेप्ट कराए हैं और फिर उनको ऐड किया, फिर उनका सम डिस्प्ले कर दिया, ठीक है जी।
तो ये चीज तो इस तरीके से हो सकती है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, हाँ पांच वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनको सम करके इसी मेथड से कर दिया। ठीक है जी, अभी हम हाँ बेसिक मेथड पे चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक मेथड पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अभी क्या था, हमने वैल्यू जो ली यूजर से ली, अब वैल्यू फिक्स करते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, वैल्यू फिक्स करना इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या है कि डिस्प्ले द प्रोडक्ट ऑफ टू एंड स्पेसिफाइड नंबर, कोई भी एक नंबर जो यूजर देगा उसको दो से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दिखाना है, इसका मतलब ये है। तो स्टार्ट स्टॉप वही रहेगा, इनपुट है वेरिएबल, हम एंट्री लेंगे। ठीक है जी, और यहाँ फॉर्मूला में जो है सेकेंड नंबर तो है नहीं, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ये सिंपल सा आप ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। और ये एक बीच में उड़ा देंगे। हाँ इसको हटा देंगे तो जरूरत ही नहीं, वैसे हटाने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छा तरीका है कि इसको कमेंट बना देते हैं, अपोस्ट्रोफी का साइन होता है उस पर लगा देंगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो कमेंट बनाने से फिर वो क्या होता है कि वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता, वहां पड़ा रहता है। इसका हम यूज इसलिए भी करते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने कोड में प्रोवाइड करनी है कि ये एफ क्या है एस क्या है, ऐसी डिटेल मुझे लिखनी है तो मैं कोड के ऊपर लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू ये है इसके बराबर, इसलिए मैंने एफ यूज किया। तो ये दूसरे प्रोग्रामर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है सर। इसको हाँ कहते हैं जी कमेंट्स इन प्रोग्राम, कमेंट कहते हैं इन सबको। ठीक है जी, ठीक है सर। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा वो दो से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है जी, देखते हैं, कोई भी नंबर डाला मैंने 20 और ये दो से मल्टीप्लाई हुआ और 40 रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, तो ये था एक बहुत सिंपल प्रोग्राम, आगे देखते हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूं डिक्लेरेशन किस लिए यूज होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का फंडा क्या है। ठीक है जी, हाँ अब आप यहाँ पे आएंगे एक्सेल में देखेंगे कि किसी एक शीट का हर एक का अपना नाम होता है, क्या नाम होता है, जैसे मैं इस शीट को सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसका नाम है B3 जी है ना, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसका नाम है A1। ठीक है जी, मैं किसी को उसका नाम भी दे जी सकता हूं, अगर मुझे A1 A1 नाम अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको नेम करके भी ऐसे लिख सकता हूं। तो अब जिस पे जाऊंगा तो इसका नाम बदल गया नेम, अगर आपने डिफाइन ठीक नेम है। नेम मैनेजर यूज किए होंगे तो इस फंडे के बारे में जानते होंगे कि किसी भी रेंज को नेम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, हाँ जी तो ये नेम मैंने कर दिया, अब मैं जब भी नेम को कॉल करता हूं इक्वल टू नेम लिखता हूं तो उसकी वैल्यू मुझे यहां दिखाई दे देगा, दिखाई देगा। ठीक है जी, ठीक तो ये कॉन्सेप्ट कहते हैं, यही होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या हुआ कि ये जो इसका नाम है ये फिक्स रहेगा और इसके अंदर की वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है जी, अब एक्सेल में स्टोरेज के लिए हमारे पास बहुत सारी सेल है, पर VBA में तो कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने आप में प्रोग्रामिंग है। मैं चाहता हूं कि एक्सेल की शीट पे कुछ ना लिखा जाए, VBA अपने पास किसी वैल्यू को सेव करके रखे थोड़ी देर के लिए जब तक प्रोग्राम चल रहा है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हेडिंग्स होती हैं आपकी, क्या होती है यहां पे देखते हैं अपनी वर्ल्ड फाइल में, ये और क्लियर करेगा। ठीक है जी, दो तरह की चीजें होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। जो हम वैल्यू टाइप कर रहे हैं, जैसे 123 टाइप की या कोई भी टेक्स्ट टाइप किया तो इसको कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू अपने आप में पूरी है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। बट जो नेम की बात करूं तो नेम अपने आप में पूरा नहीं है, नॉर्मली नेम क्या होता है उसमें संदीप हो सकता है, प्रदीप हो सकता है, महेश हो सकता है, हर तरह के नेम होते हैं। वो एक प्रोनाउन की तरह डील कर रहा है, हेडिंग की तरह डील कर रहा है। ठीक है जी, तो वो होते हैं हमारे वेरिएबल। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसमें समझते हैं कि ये है क्या। जैसे अगर हम बात करें कि ये एज, तो एज किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, वेरिएबल को कि कॉन्स्टेंट को। वेरिएबल वेरिएबल। एड्रेस, कॉन्स्टेंट नहीं, वेरिएबल ये भी, एड्रेस एक टाइटल है ना, टाइटल हमेशा या हेडिंग हमेशा वेरिएबल होगी। ठीक है जी, ओके और 21 कहें तो ये है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट
टेन किंग्सवे कैंप ये भी कॉन्स्टेंट है, हेनरी क्या है कॉन्स्टेंट, और नेम क्या है वेरिएबल, नेम एज एड्रेस वेरिएबल हो गए, और उनकी जो डिटेल फिल की जानी है वो हो गए कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। इसी तरह 185 भी कॉन्स्टेंट, तो आप यहां देख सकते हैं वही कैटेगराइजेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसको यूज कहां किया हुआ है देखिए, अब इसमें इंट्रोड्यूस होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्रोग्रामिंग में दो टाइप की वैल्यूज होती है, ठीक है जी, एक जिनको आप कैलकुलेट करते हैं और एक जिनको कैलकुलेट नहीं करते, खाली इंफॉर्मेशन के लिए रखते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ये प्रोग्राम है कि किसी आप शॉपिंग मॉल में गए और कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास आपने बिलिंग सॉफ्टवेयर देखा होगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर किस पंडे पे काम करता है कि हाँ मेरे को, मैंने एक सर्फ लिया उसके 10 पैकेट लिए, अब उसका प्राइस जानना है मुझे कितना हुआ, यही डिटेल आपकी बिलिंग में फिल की जाएंगी। तो वो कैसे की जाएंगी, इसके दो पार्ट होते हैं, कैरेक्टर और न्यूमेरिक। न्यूमेरिक वो पार्ट होता है जो आप कैलकुलेट करते हैं, कैरेक्टर वो पार्ट होता है जो खाली इंफॉर्मेशन के लिए रखते हैं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है इस पे, जैसे सरनेम वगैरह, खाली सरनेम दिखा दिया फुल नेम ना दिखा के, बट होता है इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, ये कैलकुलेशन के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज यूज होती है। अब इसका प्रोग्रामिंग का रूल ये कहता है कि जब आप कैरेक्टर वैल्यू यूज करते हैं तो उसके वेरिएबल के नेम के आगे सी फिक्स करेंगे, ताकि कोई आपने बना दिया मान लीजिए सी के करके, सी आइटम नेम, मतलब आइटम नेम अगर मैंने रखा तो वो कैलकुलेट, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड सर बस। आगे आगे तो मैं ये कह रहा था कि इसमें कैरेक्टर न्यूमेरिक दो टाइप की वैल्यू होती है, न्यूमेरिक जो कैलकुलेट होना है और कैरेक्टर जो इंफॉर्मेशन के लिए रखना है, जैसे कि नेम एज वगैरह। एज भी कभी प्लस, एज को अगर प्लस माइनस करना है तो न्यूमेरिक में रख सकते हैं। इनके आगे एक प्रीफिक्स लगता है, जैसे आइटम नेम नाम से वेरिएबल बनाया मैंने, तो सी लग गया कैरेक्टर दिखाने के लिए कि ये कैरेक्टर का वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है जी, आई एज इंटीजर लिया है, पर किसका इंटीजर है, के एज इंटीजर लिया, और के मैं आगे यूज करता हूं तो यूजर को तो नहीं पता ना कि ये के इंटीजर है कि कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है या डेट टाइम है, किसी को नहीं पता, तो उसके लिए प्रीफिक्स लगते हैं। प्रीफिक्स का सिस्टम चलाया था, हालांकि हम लोग यूज नहीं करते इसे, पर ये जो स्टैंडर्ड है वो यही कहता है। अच्छी कंपनी में जाएंगे ये चीज मैटर करेगी, ठीक है। तो दूसरा है न्यूमेरिक के लिए एन, उसको प्रीफिक्स कर दिया, एन प्राइस, एन क्वांटिटी, एन वैल्यू। अब क्या यूज किया है, आइटम का नाम हो गया, प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू, उसका प्राइस क्या है क्वांटिटी क्या है, वैल्यू किस लिए लिया, वैल्यू कैलकुलेट होके किसके अंदर आएगी, प्राइस क्वांटिटी प्राइस वैल्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है जी, ये फंडा होना है इसके अंदर। तो तीन चीजें एक्सेप्ट कराई, आइटम का नाम क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, ठीक है जी, ये इनपुट कराई, एन वैल्यू इक्वल टू एन प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, फिर डिस्प्ले करा दिया सी आइटम नेम एंड एन वैल्यू, दोनों साथ में डिस्प्ले करा दिया कि ये आइटम है आपका और इतना वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है जी। तो ये इसमें फंडा लिया हुआ है, यही डिक्लेरेशन का है। अब चाहे तो मैं ये प्रोग्राम बना के दिखा सकता हूँ, हालांकि आप भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इसी मेथड से के थ्रू इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स के जरिए आप अपने ये वाले प्रोग्राम बना के चला सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आगे देखते हैं, अब इंट्रोड्यूस करते हैं डिसीजन, ठीक है जी। हालांकि इन्हीं 27 पेज में पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग दी गई है कि पूरी प्रोग्रामिंग का फंडा क्या है, कैसे कैसे चलेगा, तो शुरुआत में मैं बता दे रहा हूँ, कोई चीज ना आए जैसे इफ एल्स वगैरह तो ये आगे क्लियर की जाएंगे कि इसमें और कैसे इफ एल्स लगाते हैं,
एक्सटेंडेड वन, पर बेसिक मैं आपको इसके साथ दिखा देता हूँ। अब इसमें आपको चेक करना है, ये प्रोग्राम है कि किसी नंबर को चेक करना है कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है जी, 5 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? स्टार्ट किया, वेरिएबल ले लिया न्यूमेरिक, एन न्यूमेरिक, एन नंबर करके न्यूमेरिक का। ठीक है जी, इनपुट में एक्सेप्ट कराया नंबर यूजर से, यूजर ने नंबर डाला। अब डिसीजन बॉक्स, मान लीजिए इफ का फॉर्मूला है इधर, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स था ये था जब तुम वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब जो सेकंड वाला है न्यूमेरिक नंबर, ये क्या होता था? ये न्यूमेरिक एन नंबर, ये डिक्लेरेशन एक प्रोसेस होता है, ये जो है सेविंग के लिए। जैसे एन नंबर है ना, एन एन नंबर में जो वैल्यू आएगी, अब क्या आ रहा है कि जो मैंने यहाँ फुल कॉन्सेप्ट किया है उसमें मैंने किया है कि जो उसने पहली वैल्यू डाली, पहले इनपुट बॉक्स में गई और देन वो एफ में ट्रांसफर हो गई। तो एफ का यूज मैंने क्या किया, उसको कैरी करके चला कि एक वैल्यू को सेव कराने के लिए टेम्परेरी स्टोरेज बनाई। तो इस तरह की टेम्परेरी स्टोरेज को वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, नहीं तो मुझे इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता बार बार। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो डायरेक्ट मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि सी इंट इनपुट बॉक्स देन मल्टीप्लाई और फिर ये कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, एक ही लाइन में बहुत बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आसान बनाने का तरीका यही है कि इसको टेम्परेरी वेरिएबल्स में सेव करा दो और फिर उनसे कैलकुलेशन, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर लो। मान लीजिए मुझे इसको 10 बार किसी फॉर्मूले में यूज करना पड़ता तो ये जहां यूज होता, अगला पढ़ता कोई प्रोग्राम तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता कि बना क्या रखा है इसमें। ठीक है जी, और हालांकि आप ही अपना प्रोग्राम दोबारा नहीं पढ़ पाते, तो आसान बनाने के लिए ये चीज की हुई है, डिक्लेरेशन का मेथड है। तो अब हमारी बात हुई कि एक नंबर लिया जिसको चेक करना है कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं। अब डिसीजन डिक्लेरेशन हुई, प्रोसेस इनपुट हुआ नंबर, डिसीजन बॉक्स, डिसीजन में दो फ्लो निकल रहे हैं आप देखेंगे, ये जो लाइन है दो फ्लो बना रही है। अगर यस है, ये साइन जानते हैं ये क्या होता है, एन नंबर परसेंटेज 5 इक्वल टू 0, लॉजिकल रिमाइंडर 0 है। ये होता है रिमाइंडर के लिए। हाँ, रिमाइंडर 0 हो गया ना। हाँ, मॉड्यूलो भी कहते हैं इसे, मॉड्यूलो का साइन कहते हैं। ठीक है जी, तो मॉड्यूलो कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे तो मॉड का एक फंक्शन होता है वो चेक करता है। तो इफ का एक फॉर्मूला आया जिसने ये चेक किया कि अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो क्या हुआ कि 5 से डिविजिबल है। यस में इधर चला गया, नो में ये नीचे चला गया। यस में इसने, अब यहां दो आउटपुट आ रहे हैं, देखिए पहला आउटपुट कह रहा है कि डिस्प्ले डिविजिबल बाय 5, फिर 5 से डिविजिबल है, फिर ये फ्लो आगे बढ़ा और यहां से जाके इसमें मर्ज होके नीचे स्टॉप हो गया। ठीक है जी, अगर वो डिविजिबल है तो ये कैसे चला, ये नीचे चला और इसने डिस्प्ले किया नॉट डिविजिबल फाइल बाय 5 और एंड हो गया। ठीक है जी, तो अब इसको एक्चुअली में कैसे बनाएंगे इस चीज को, तो डिसीजन बॉक्स के बारे में आप समझ गए, डिसीजन कर क्या रहा है सर, यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं अभी मुझे, डिक्लेरेशन मेरा एप से ही काम चल जाएगा और किसी की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इसकी भी जरूरत नहीं मुझे सेकंड नंबर की भी। तो एक नंबर यूजर से लिया, मैसेज बॉक्स भी बाद में दिखाई, देन है एक्सेप्ट नंबर, नंबर एक्सेप्ट कर लिया, एफ में आ गया। अब हमें मैं, अगर मैं बताऊं, अगर तो इफ मतलब अगर आपने ऐसे आप ऐसे लिखेंगे कि इफ एफ परसेंटेज 5, परसेंटेज नहीं चलता, मॉड 5 इक्वल्स जीरो देन देन। ठीक है, अब इसमें क्या लगता है, एक एंड इफ मैसेज बॉक्स देन मैसेज, अच्छा ये मेरे को नहीं पता, अच्छा आप ही बताइए। हाँ, तो देन एल्स, इनकी जरूरत पड़ेगी, एल्स सही से लिख दूं। अब पहले आपको ये क्लियर करता हूं ना कि ये इफ का फंडा क्या है, अगर आपको तो देन के बाद जो कोडिंग आएगी वो चलेगी यस वाली, और एल्स के बाद जो कोडिंग आएगी वो चलेगी नो वाली। ठीक है जी,
इनमें से क्या होगा, ये स्विच करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इधर कोडिंग चलाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इधर कोडिंग चलाएगा, और फिर कहां चला जाएगा, एंड में। तो यहां पे क्या देना है मुझे, मैसेज बॉक्स, और यहां लिख देता हूं डिविजिबल बाय 5। एक फंडा ये हो गया। और एल्स वाले केस में, नो वाले केस में क्या लिखना है मुझे, कि नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके सर, अब इसको चला के देखते हैं। यहां पे मैंने डाल दिया 21, ओके किया, क्या रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 5। दोबारा चला के देखते हैं, यहां डाल दिया 15, ओके किया, डिविजिबल बाय 5। ठीक है जी, तो ये फ्लो है, पर फ्लो चला कैसे ये भी देख लेते हैं। अब आपको ब्रेक मोड दिखाता हूं, इसमें इसमें ब्रेक मोड होता है, रन में जाके ब्रेक होता है। तो ब्रेक मोड क्या होता है कि जब आपका स्टार्ट होता है, आपको एक ब्रेक पॉइंट सेट करना होता है। यहां पे जहां पे भी आप ये क्लिक कर देंगे इस तरह की, यहां प्रोसेस इसके आगे, डिक्लेरेशन के आगे ये बॉक्स नहीं आ सकता। ठीक है जी, जहां वैल्यू ट्रांसफर हो रही है, जहां मतलब जहां से स्टार्टिंग एक्चुअल आपके प्रोग्राम की, वहां से स्टार्ट होगा। तो ठीक है, मैंने यहां पे लगा दिया। अब जब मैं प्ले करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जाके यहां पे रुक जाएगा, येलो लाइन हो गई। अब मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देख सकता हूं अपना प्रोग्राम का कि कैसे हुआ। तो हम सीधा यहां पे आ गए वर्ड से कि स्टार्ट हुआ, डिक्लेयर हुआ, एक्सेप्ट पे आ गए, इनपुट वाले पॉइंट पे आ गए यहां। अब जहां मैं इसको आगे बढ़ाने का तरीका, F8 दबाएंगे, F8। तो ये क्या हुआ, वो कोड जो है एग्जीक्यूट हुआ VBA के जरिए। ठीक है जी, अब मैंने 25 डाल दिया, ओके। अब ये इफ कंडीशन में गया, F8 दबाया, आगे बढ़ा। अब ये कह रहा है कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी, जैसे किया ये आ गया, ओके किया मैंने, आगे आया, एंड इफ मिल गया इसे। इफ में एंड इफ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि इफ का दायरा क्या है। मान लीजिए एंड इफ के बाद भी मुझे कोई कोड करना है, अगर मैंने एंड इफ नहीं लगाया तो वो क्या है, चलता जाएगा, वो एल्स केस में ही सब कुछ ले लेगा। हालांकि वैसा होगा नहीं, वो एरर दे देगा कि आपने एंड इफ नहीं लगाया। ठीक है जी, ठीक है। तो ये गया एंड इफ पे और ये एंड। ठीक है जी, दोबारा से F8 दबाया मैंने प्रोग्राम में, अगर आप F8 दबाएंगे चालू हो जाएगा। यहां पे आया, नंबर मांगा, 12 डाल दिया, ओके किया, इफ में इसने इवेल्युएट करी। अब किस में जाएगा, ये एल्स में। ठीक है जी, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आया था, मतलब वो डिविजिबल नहीं, ये मैंने सिलेक्ट करके देखा तो इसमें दिखा रहा है फॉल्स। ठीक है जी, चलने के बाद उसका रिजल्ट बता सकता है। ठीक है जी, ठीक। अब ये बता रहा है कि अब ये दिखाने वाला एल्स में आ गया, नॉट डिविजिबल बाय 5। इस तरह से ये एंड हो गया। ठीक है जी, तो ये होता है प्रोग्राम का आर्किटेक्चर, इस तरह से चलता है। अब इफ एल्स में थोड़ी सी हमें पावर मिल गई। अगर हमें नेस्टेड इफ यूज करना है तो क्या करेंगे, ये इफ से एल्स के बीच में ही प्रोग्रामिंग करेंगे। मान लीजिए एल्स की प्रोग्रामिंग आपने नहीं करनी है, तो ये एल्स को हटाए बगैर आप कर सकते हैं। इफ के साथ एंड इफ जरूरी है, इफ कंडीशन के, मतलब अगर ट्रू केस में करना है, फॉल्स में नहीं करना है आपको, तो ट्रू केस में करने के लिए इफ और एंड इफ के बीच में करिए। अगर आपको चाहिए कि फॉल्स का भी आपने देना है, तो फॉल्स के देने के लिए एल्स जरूरी है, एल्स के बाद, पर एंड इफ इन दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी नेक्स्ट में क्या करूंगा, आगे का जो प्रोग्राम है आपको, अभी आप उसको पढ़िए, थोड़े से और इसी तरह के प्रोग्राम है, अपने आप से पढ़िए, कल मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है जी, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आप प्रोग्रामिंग में नहीं फंसेंगे कहीं भी। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर, चलिए इसको स्टडी कीजिए, ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है सर। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल ना मेरे एक इंटरव्यू है, कोई दिक्कत नहीं सर, जैसा आप चाहें। हाँ, तो मैं जितना जितना आपने मेरे को पढ़ाया है, नहीं नहीं क्लास तो कर लेंगे, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना आपने मेरे को पढ़ाया मैं उतना ही रिवाइज करूंगा, मैं प्रोग्रामिंग के बारे में और नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर मैं आगे आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा।
पर मैं ये कहूंगा कि हाँ आगे उसको प्रोग्रामिंग के दौरान ही पढ़ लीजिएगा, हमारी क्लासेस के दौरान, तो आपको प्रोग्राम हाँ जल्दी हाँ समझ में डेफिनेटली आना है। डेफिनेटली, बस मैं कल पढ़ लूंगा, मतलब वो भी मैं घंटे के घंटे में पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे ऑलरेडी काफी पढ़ना है मेरे को कल इंटरव्यू के लिए अपनी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ओके सर। हाँ जी। अच्छा तो सर अभी हमारी 1 घंटे की क्लास थी आज, तो हाँ, एक ही घंटे मान लीजिए आपको, आपका घंटे वाइज चूज है क्या? आपका तो फुल कोर्स ही नहीं होगा ना। मेरी ना एक्चुअली मेरी एक्चुअली उनसे बात ये हुई थी कि मैंने उनको बोला था कि आप मेरे को 2 2 घंटे पढ़ा दें।